सावरकर के जीवन संघर्ष पर आधारित फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर के मौके पर रणदीप हुड्डा नागपुर आए थे व सिद्धि विनायक सेवा ट्रस्ट की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम भी बोल रहे थे। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। अहिंसा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, मगर सशस्त्र क्रांतिकारियों का बलिदान भी उतना ही मूल्यवान था। स्वतंत्रता सेनानी सावरकर इन सशस्त्र क्रांतिकारियों के बलिदान के नायक हैं, लेकिन उनके बलिदान को कुछ राजनीतिक दल ने जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया, यह कहना है प्रसिद्ध अभिनेता रणदीप हुड्डा का। उनसे जब पहले पूछा गया कि सावरकर जी पे क्यों पिक्चर बनाना चाहते हो भाई, तुम्हारे तो इंडस्ट्री से काम से नाता टूट जाएगा, तुमको एक तरह का एक्टर मानने लग जाएंगे, तो मैंने कहा कि सावरकर जी पे क्यों ना बनाएं, ऐसा क्या हो गया कि सावरकर जी पे हम पिक्चर नहीं बना सकते, उनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। और जब मेरे को भी इतना नहीं पता था, जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि उनका बलिदान, उनका त्याग, उनकी क्रांति, उनके लेख, उनकी तपस्या जो उन्होंने की थी एक अखंड भारत के लिए, जो उनका सपना अधूरा रह गया, वो सब देखते हुए मुझे लगा कि मैं ये कहानी एक ऐसे तरीके से बनाऊं कि इससे युवा भी जुड़े और लोगों को उनके जीवन से प्रेरणा मिले और उनकी सोच और उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो लोगों तक पहुंचे, जो कि कुछ उनके साथ नाम जोड़ के लोगों को उनसे तोड़ा गया है, उनके ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए थे गांधी जी की असैसिनेशन से, जो कि झूठे निकले, और तब से उनकी कहानी को दबाने की जो कोशिश की गई है, मेरा ये मानना है और मेरी ये चाहत है कि मेरे फिल्म के ज़रिए वो कहानी सभी तक पहुँचे, क्योंकि उनकी कहानी को कहीं ना कहीं हमसे जुदा रखा गया है, पूरे देश से उसको छुपाया गया है, और वो क्यों छुपाया गया है उसके लिए आप फिल्म देखिए और आप खुद जानिए कि स्वतंत्र वीर सावरकर का योगदान हमारे देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए, और आज जो हमारे देश की सोच है, जो हम एक कुटुंब की तरह जुड़ रहे हैं, उसमें उनका क्या योगदान है। इस वक्त सिद्धि विनायक सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष संदीप जोशी उपस्थित थे। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।